हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास 12th के बारे में। दोस्तों, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपकी जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की फाइल है उसमें मैं एक एक क्वेश्चन को करते हुए हल हम करेंगे। और मैं आज ले रहा हूं क्वेश्चन क्रमांक 10। आप अपनी फाइल में 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा निम्न सारणी से माध्य का ज्ञात कीजिए। यह आपका फाइल का 10वां प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है। अब हम इसका आंसर पूरी डिटेल से चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको एक तरफ दिया हुआ प्राप्तांक, एक तरफ दी है परीक्षार्थियों की संख्या और इसकी हमें निकालनी है माध्यिका। अब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट करना है सीएफ का। एक कॉलम मित्रों किसका क्रिएट करना है? सीएफ का। अब आपको करना क्या है, सीएफ कैसे निकालते हैं सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको जो नंबर दिया है वो का वो आप नोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो मैंने 16 लिख दिया है। अब आपको क्या करनी है, तिरछी जोड़ करनी है। ऐसे 16 और 60 इन दोनों को जोड़ना है। तो 16 और 60 को जैसे हम ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 76, यानी 76 आ गया। अब आपको वापस अगली तिरछी जोड़ करनी है, 80 में 76 जोड़ने, और 80 में जैसे 76 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 156 आ गया। फिर वापस तिरछी जोड़ करनी है, 24 और 156 को जोड़ेंगे तो ये आपका 180 आ जाएगा। फिर आपको तिरछी जोड़ करनी है, 20 और 180 को जोड़ेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है वो सीएम का कॉलम कंप्लीट कर लिया है। सीएफ का कॉलम ज्ञात करने के लिए क्या की, सबसे पहले पहला अंक लिख दीजिए, नंबर दिया हुआ है, फिर आप तिरछी जोड़ करते जाए आपका आ जाएगा। यहां पर इसको लिखते हैं, इस जो परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है इसका टोटल करेंगे और इसके टोटल को लिखते हैं मित्रों सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो यहाँ का लास्ट नंबर है वही आपका सिग्मा एफ आने वाला है। तब तो आपकी सीएफ सही है, नहीं तो आपकी सीएफ भी गलत है। इस प्रकार से आप अपनी सीएफ का आकलन भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमें माध्यिका निकालनी है और माध्यिका के लिए सूत्र क्या है। सूत्र है मित्रों एम बराबर, सूत्र में यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, एम बराबर L1 प्लस आई बट्टा एफ। L1 प्लस आई बट्टा एफ और ब्रैकेट में है आपके M माइनस सी। यह आपका माध्यिका ज्ञात करने का या माध्यक ज्ञात करने का आपका सूत्र क्या हो गया, M बराबर L1 प्लस आई बट्टा एफ M माइनस सी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपका ये 200 आया है इसको सिग्मा एफ भी लिखते हैं और इसी को हम n भी लिखते हैं। तो हमें करना है सबसे पहले n बट्टा 2। n बट्टा 2 यानी कि 200 बट्टा 2। 200 बट्टा 2 का मान आ गया आपके 100। अब आपको क्या करना है, इस 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढनी है। जो संचयी बारंबारता को कॉलम है इसमें आपको 100 तो नहीं दिख रहे हैं, 100 से बड़ी कौन सी मित्रों, ये 156। तो आपका जो माध्यक वर्ग होगा वो ये हो जाएगा 156 80 वाला। तो ये आपका हो गया क्या माध्यक वर्ग, मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। तो अब देखेंगे यहां से हम सारे वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, वर्ग 20 से 30 आपका क्या हो गया माध्यक वर्ग है। 20 से 30 क्या बन गया, माध्यक वर्ग बन गया। अब हमें सूत्र में मान रखना है। तो मित्रों देखिए, एम बराबर सबसे पहले है आपका L। L1 क्या होता है, इस माध्यक वर्ग जो ये निकला है इसकी निम्न सीमा क्या है, L1। तो मैंने L1 की जगह क्या लिख दिया है, 20। तो L1 का मान कितना हो गया आपके यहाँ पे, ये लिखा मैंने 20। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, I बट्टा F। I क्या होता है, I होता है मित्रों वर्ग अंतराल की कितने कितने का वर्ग अंतराल है, 20 और 30 में अंतर कितना है 10 का। तो आपका I का मान 10 हो गया। F इस जो माध्यक वर्ग आया है इसकी स्वयं की बारंबारता कितनी है, 80, तो ये लिख दिया 80। फिर है m माइनस c। अब देखिए मित्रों यहां पे ध्यान रखना आपको, m क्या है,
एम वाला इंपॉर्टेंट है, आपने जो निकाला है एन बट्टा दो, इसको हम लिखते हैं मित्रों एम, क्या लिखेंगे एम, तो ये आ गया आपका 100 माइनस सी। सी क्या है, जो ये माध्यक वर्ग आया है इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी का मान इसमें कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा मित्रों, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो क्या आ जाएगा एम बराबर 20 प्लस 10 बट्टा 80 गुणा, माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 24, कितना आ गया 24, फिर से जीरो कट जाएगा और 8 से 24 कट जाएंगे तीन बार आपका, तो ये आ जाएगा एम बराबर 20 प्लस 3 और 20 प्लस 3 मित्रों कितना हो जाएंगे 23, तो आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न में क्या आ गया है 23 आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे डायरेक्ट फाइल में लिखना चाहे तो फाइल में लिख लें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको आगे की वीडियो मिलते रहेंगे, हमने 10वां प्रश्न किया है, अब हम 11वां 12वां 13वां 14वां जितने भी आपके प्रैक्टिकल में जो है क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स से संबंधित है, भूगोल प्रायोगिक में जो मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर हम वाइवा में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, मैंने पहले भी इसके कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, उनको भी जरूर देख लें और अपनी फाइल को कंप्लीट कर लें। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्दी से आ जाए। धन्यवाद।